गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मुहम्मद, वेलकम करता हूं मेडी प्लांट्स चैनल पे। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। गाइस, अगर आपको वीडियोज़ पसंद आएँ तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स जरूर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ भी इन यूज़फुल वीडियोज़ को शेयर किया करें। और अगर कोई चीज़ की आपको कमी महसूस होती है तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताया करें ताकि उसको भी एडअप किया जाए। गाइज, ये जो मेरे हाथ में आपको प्लांट नज़र आ रहा है, बज़ाहिर तो ये एक बूटी है, जड़ी बूटी लगती है और इसका साइज़ भी इतना ही रहता है, तो ऐसा लगता है जैसे ये एक आम सी जड़ी बूटी है, लेकिन इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। ये एक मेडिसिनल प्लांट है और ये एक हर्ब है, ऐसा ही रहता है। मैं अभी आपको इसकी दिखाऊंगा कि इसको आप प्रोपोगेट भी कैसे कर सकते हैं कितनी आसानी के साथ। और ये एक मेडिसिनल प्लांट है, इसका नाम है जी बनफशा। आपने गुले बनफशा का नाम सुना होगा, जो कि इसके फ्लावर्स हैं। इनको वायलेट जो है ना, क्या नाम था, नाम मेरे जहन से निकल गया, मैं मेंशन कर दूंगा। तो ये वायलेट फ्लावर्स की वजह से इसको, इसका जो कॉमन नेम है उसमें स्वीट वायलेट इसको कहा जाता है, मुझे याद आ गया, तो स्वीट वायलेट कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत सा कलर होता है, पर्पलिश कलर या वायलेट कलर होता है इसके फ्लावर्स का। और इनको भी मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, इस प्लांट के लीव्स को भी यूज़ किया जाता है मेडिसिन में और रूट्स को भी यूज़ किया जाता है। तो गाइज, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि सबसे पहले तो ये रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स जो होती हैं आपकी, यानी जो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम्स आती हैं, जिस तरह कुछ लोगों को एस्थमा का इशू होता है, वो बचपन से एस्थमा का शिकार होते हैं, यानी कि उनके फेफड़े नाजुक होते हैं, उनको ब्रोंकाइटिस हो जाता है। यानी ब्रोंकाइटिस क्या होता है कि उनके फेफड़े चोक हो जाते हैं म्यूकस की वजह से ना, बलगम की वजह से, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनको सांस प्रॉपर नहीं आ रहा होता। तो उसके लिए ये बहुत बेहतरीन है अगर इसको आप प्रॉपरली यूटिलाइज़ करते हैं विद रिकमेंडेशंस ऑफ, अगर आप इंडिया से हैं तो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो हकीम हजरात जो होते हैं, जो कि इन हर्बल मेडिसन्स को या हर्बल प्लांट्स को यूज़ करना जानते हैं और आपकी बॉडी के मुताबिक आपको इसकी डोज देंगे, उनकी रिकमेंडेशंस के मुताबिक आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, अगर हम बात करें इसके अलावा इसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो ये ट्यूबरक्लोसिस में बहुत हेल्प आउट करता है, उसको होने नहीं देता, ठीक है। और इसके अलावा जो आपकी डाइजेस्टिव एलिमेंट्स होती हैं, यानी कि आपकी जो मेदे के इश्यूज होते हैं, हाजमे के, उनको भी बेहतर करता है, आपके मूड को बेहतर करता है, एंग्जाइटी ख़त्म करता है, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, ओवरऑल आपकी बॉडी के लिए बेशुमार फ़ायदे हैं इसके। आप इसकी टी भी बना सकते हैं इसके लीव्स की, लेकिन अगेन वही बात है कि आप इसको प्रॉपर डॉक्टर जब आपको रिकमेंड करेगा कि आपने किस तरह से इसकी टी को यूज़ करना है, कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है, तो उसी उसके अकॉर्डिंगली ही आप इसको प्रिपेयर करेंगे और यूज़ करेंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि प्लांट को आप प्रोपोगेट कैसे कर सकते हैं और कैसी मिट्टी में इसको लगाना है। तो गाइस, ये हमारा प्लांट है जी, बहुत खूबसूरत सा। इसके या फ्लावर्स देखें कितने खूबसूरत डेलिकेट से फ्लावर्स हैं, ठीक है जी, और मेडिसिनल वैल्यू से भरे पड़े हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं कि इसकी जो रूट्स हैं और इसके जो सीड्स बनते हैं ये टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, अगर आप एक रिकमेंडेड अमाउंट से ज़्यादा इनको कंज्यूम करते हैं। सो जब भी आपने हर्ब्स लेनी है तो इस हवाले से केयरफुल रहना है कि जो आपको रिकमेंडेशन दी जा रही है डोज की, उस डोज को ही आपने फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा जी, अभी चलते हैं कि इसको किस तरह की सॉइल में आप लगा सकते हैं। ये चूंकि एशिया का नेटिव है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सब कॉन्टिनेंट में ये कॉमनली पाया जाता है। गो के बहुत अच्छा इसको नहीं, मतलब कि ऑर्नामेंटल प्लांट नहीं समझा जाता, हालांकि आप देखेंगे जितने प्यारे फ्लावर्स हैं, अगर ये एक बड़े, आप जिसको हम कहते हैं सुराही कह लें, सॉरी सुराही कह रहा हूँ, टब टाइप जो गमले होते हैं, यानी जिनकी हाइट कम होती है और चौड़े वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो प्याले में अगर आप इसको लगाएंगे तो आप देख लें कि कितना खूबसूरत लगेगा ये, जब इसमें मल्टीपल फ्लावर्स निकलेंगे और भरा पड़ा होगा। तो एनीवेज, इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो हैं ही हैं। ये सिंपल गार्डन सॉइल यूज़ की गई है, आपने भी सिंपल गार्डन सॉइल में इसको लगाना है। और अभी मैं देख रहा था, मुझे नर्सरी वालों ने कहा जी कि ये कलम से तैयार होगा, लेकिन जब मैंने इस पर गौर किया है तो इसमें ये कलम से तैयार नहीं होगा, ये बेसिकली सकर्स लगेंगे। ये देखें, ये आप देख रहे हैं जिस तरह ये होते हैं जी रूट सकर्स। अब इसकी एग्जैक्ट तो मैंने वो नहीं, इसको सर्च नहीं किया कि ये किस कैटेगरी में आता है, लेकिन जो मुझे लग रहा है, ये देखें यहाँ से ये स्पोर्टिव जड़ें निकल रही हैं, और अगर मैं इसको यहाँ से कट करके ज़मीन में लगाऊंगा तो ये पूरे का पूरा एक प्लांट जो है ना वो सेपरेट हो जाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ बीच में भी इसको देखा, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक प्लांट जो है ना यहाँ पर अलहदा बना हुआ था, ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा एक प्लांट जो है ना यहाँ पर नीचे एक स्टेम के थ्रू आया है, या ये स्टेम है इसका, वो परे एक इसका स्टेम है और उसके थ्रू ये यहाँ आके इसने यहाँ पे अपनी जड़ें बनाई हुई हैं। तो इसको भी मैं काटूंगा तो ये एक पूरा अलहदा प्लांट बन जाएगा। यहाँ पे एक प्लांट है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये प्लांट,
ये भी मैं यहाँ से अगर इसको कट कर दूं तो इसकी रूट्स यहाँ पे नीचे मौजूद हैं, ये भी एक अलहदा प्लांट है। इस तरह से आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, वेरी इजी टू प्रोपोगेट, इजी टू मैनेज प्लांट है और इसके इतने हर्बल बेनिफिट्स हैं कि आपकी सोच है। तो मैं भी अपने हकीम से कॉन्टैक्ट करने लगा हूँ कि इसको मैं किस तरह से यूज़ कर सकता हूँ, इसकी टी अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो कैसे यूज़ करूँगा और उसके मेरी लाइफ पर क्या क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। इसके बेशुमार बेनिफिट्स हैं, मैंने इतने बेनिफिट्स इसके पढ़े हैं, एंटी बैक्टीरियल जो क्वालिटीज़ हैं वो इसमें हैं, एंटी फंगल क्वालिटीज़ इसमें हैं। इसके बाद आपकी बॉडी से जो एक्स्ट्रा हीट होती है कि कुछ लोग जिसको कहते हैं ना कि जी ब्लड में गर्मियाँ या बॉडी में उनको हीट फील हो रही होती है, ठीक है, उसको ये मैनेज करता है। यानी बेशुमार बेनिफिट्स हैं, इतने बेनिफिट्स हैं कि मैं हाथ पे काउंट नहीं कर सकता, ठीक है, आपको सर्च करना पड़ेगा इसके हवाले से। आप सिंपल लिखेंगे बनफ्शा तो आपको इसके बनफ्शा बेनिफिट्स, तो आपके सामने इसके सारे के सारे बेनिफिट्स जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।